वायरल हो चुका है प्रोमोश, क्या कहना चाहोगे 26 तारीख के लिए, कितने ज्यादा एक्साइटेड हो? नया शो आता है यार, एक्साइटमेंट तो होती है, नर्वसनेस भी होती है। इस शो के लिए पर्टिकुलरली ज़्यादा नर्वसनेस है, क्योंकि देखो आप जब एक्सपेरिमेंट करते हो तो आपको लगता है कि कैसे रिसीव किया जाएगा बाय ऑडियंसेस। सो बट लाइक वी आर कॉन्फिडेंट समवेयर, बट हम लोग एक्साइटेड भी हैं, नर्वस भी हैं। इट्स अ वेरी फ्रेश कॉन्सेप्ट, बहुत ही फ्रेश है, आज के ज़माने का शो है, बहुत ही कैरेक्टर्स बड़े यू नो रिलेटेबल हैं, जो सबके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं शो में वो भी बड़े कमाल के हैं, देखने वाली बात है मतलब। एंड आई थिंक द स्टोरी ऑफ द शो विल रेजोनेट विद अ लॉट ऑफ ऑडियंस। धीरज जी आप क्या कहना चाहो, काफ़ी डिफरेंट किरदार लग रहा है आपके, जो रियल लाइफ का किरदार उससे काफ़ी डिफरेंट मुझे लगा, आप कुछ कहना चाहोगे अपने किरदार के लिए? भी थोड़ा सा मैंने आज तक अपने करियर में 14 साल के करियर में कभी ऐसा किरदार नहीं निभाया। आई एम प्लेइंग अ स्टैंड अप कॉमेडियन इन द शो, और यू नो जैसा सुरभि ने कहा कि डिफरेंट स्टोरी है, डिफरेंट काइंड ऑफ शो है, डिफरेंट स्पेस है फॉर द शो, और मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ वेरी न्यू एज शो, वेरी डिफरेंट ओटीटी स्पेस काइंड ऑफ शो, वी आर टैपिंग द यंग मार्केट, यू नो यंग ऑडियंस, बट शो सबको पसंद आएगा, हर उम्र के बंदे को पसंद आएगा, क्योंकि जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं बिटवीन माई फादर विद मी, हर फादर विद हर, वो आई थिंक दैट्स अ ब्यूटी ऑफ द शो, दैट्स अ सेलिंग पॉइंट ऑफ द शो, और वही हम लोग दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से थोड़ा सा अलग स्पेस में जाके, कि ऑफिस स्पेस है सबसे बड़ी बात, ऑफिस सेटअप है, ऑफिस रोमांस है, सो आई थिंक ऑडियंस इज़ गोना लव इट। टेलीविजन की बात की जाए तो टेलीविजन सीरियल्स में जो भी मतलब सीरियल आते थे पहले, जैसे सात बहू ड्रामा हो या फिर माइथोलॉजिकल हो, तो ये शो मतलब कि काफ़ी अलग दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे मतलब ये आने आगे एपिसोड्स में जो है कुछ ऐसे सास बहू का कुछ हो ऐसा कुछ है। Why not? I mean, अगर that will work for the show, why not? I mean, we always try to make different content. और मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ audience को पसंद आई, think at the end of the day, audience is God. हम उन्हीं के लिए बना रहे हैं, उन्हीं को उनकी जो पसंद है उसी के हिसाब से हम शो बनाते हैं, और आई थिंक मैंने जैसा पहले कहा ये थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ शो है, दिस इज़ अ ऑफिस सेटअप, ये ऑफिस रोमांस है, हम दोनों की तकरार है, हम दोनों की जो मेंटेनेंस है इन अ गुड वे आई एम टॉकिंग अबाउट, वो शो की USP है, जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं बिटवीन ऑल द कैरेक्टर्स, आई थिंक दैट्स अ USP ऑफ द शो। आप शूटिंग का तरीका भी देखोगे, आप जब शॉट वाइज भी देखोगे, लाइटिंग वाइज भी देखोगे, इट्स अ वेरी डिफरेंट शो। वेरी ऑनेस्टली दैट हम ये शो अपने लिए बना रहे हैं, आई डोंट थिंक